नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज जो अपन ने चला रखी है उसके अंदर दो किंगडम अपने कंप्लीट हो चुके हैं, मोनेरा पूरा हो गया, प्रोटिस्टा पूरा हो गया। इसी के अगले क्रम में अपन ने फंजाई के जनरल फीचर्स हैं उनका एक वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। अभी अपन फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है, क्लासिफिकेशन को कैसे याद करेंगे, इसमें बेहतरीन ट्रिक्स होंगी, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, फंजाई का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने कई तरह से क्लासिफिकेशन दिया और सभी तरह के क्लासिफिकेशन को अपने को यहां पर याद नहीं करना है, अपने को एक क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू निकाल लेना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से कुछ कुछ तो बेसिक बातें आएंगी एग्जाम के अंदर और कुछ इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्या आया था कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे देंगे, एक फंगस का नाम दे देंगे और बताएंगे कि ये फंगस है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। देखो, ट्रिक के साथ में साधारण तरीके से इजी वे में याद करेंगे, आप तसल्ली से ध्यान लगाकर इसको सुनिए और उसके बाद में उसको नोट कर लीजिए। देखिए, फंगस का, फंजाई का जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो सत्य फंजाई है, दो प्रकार की फंजाई हो सकती है वैसे तो, एक फॉल्स होती है, एक ट्रू फंजाई होती है। फॉल्स फंजाई को अपन मिक्सोमाइसिटिस भी पढ़ सकते हैं और ये अपन पढ़ के आए थे स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्टा में शामिल किया गया था फॉल्स फंजाई को। स्लाइम मोल्ड को क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई बोलते हैं, उसको अपन यहां इंक्लूड नहीं कर रहे, अपन केवल और केवल फंजाई के अंतर्गत ट्रू फंजाई है उनको शामिल करते हैं। और उन ट्रू फंजाई को आप ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, यूमाइसिटीज। इसके अंतर्गत फंजाई है उसकी दो क्लास आती है, यूमाइसिटीज के अकॉर्डिंग फंजाई की दो क्लास आती है और उन दो क्लास का आधार क्या है वो अपन सबसे पहले जिक्र करते हैं। अगर पिछला वीडियो आपके याद आ रहा है तो उसमें अपन ने यह देखा था कि जो फंजाई है उसकी बेसिक बॉडी है वो हाइफी से बनी होती है, कवक तंतुओं से बनी होती है। अब कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनमें कवक तंतु है, उनमें सेप्टा पाया जाता है, और कुछ ऐसे कवक तंतु होते हैं जिनकी जो बॉडी बनती है उसके अंदर, उनकी सेल्स के अंदर सेप्टा नहीं पाया जाता। मतलब कवक तंतु जब माइसीलियम बनाएंगे तो अगर माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सेप्टेट, और माइसीलियम अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट। पिछले वीडियो में आपको ध्यान आ रही होगी बातें, तो उस सेप्टेट और एसेप्टेट के आधार पर अपन यहां पर सीधा सीधा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, पहले ऐसे यूमाइसिटीज जिनमें कवक तंतु के अंदर सेप्टा अब्सेंट है उनको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट, और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेप्टेट। ठीक है जी। अब जिनमें सेप्टा अब्सेंट है उनको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, लोअर फंजाई, और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट है उनको ऐसा भी बोला जा सकता है क्या, हायर फंजाई। ठीक है, आपको एक बात याद आ रही होगी वहां पे पिछले वाले वीडियो में कि एसेप्टेट में अपन ने किसको शामिल किया था, एसेप्टेट में अपन ने शामिल किसको किया था, किस ग्रुप को शामिल किया था, किस क्लास को शामिल किया था, और वो थी फाइकोमाइसिटीज। मतलब फाइकोमाइसिटीज ऐसी क्लास थी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं थे, कवक तंतुओं के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं थे, एसेप्टेट थे वो। ठीक है, प्रिमिटिव फंजाई भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव फंजाई भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये आदिम प्रकार की शुरुआती स्तर पे इसी प्रकार की फंजाई का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। इस फाइकोमाइसिटीज को फर्दर दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है ऊमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। इस ऊमाइसिटीज का दूसरा नाम एल्कल फंजाई भी कहा जाता है और जाइगोमाइसिटीज का दूसरा नाम कंजुगेशन फंजाई भी कहा जाता है, कंजुगेशन फंजाई। अब देखिए, यहां पर अगर कहीं पर आपको फाइकोमाइसिटीज के साथ में एल्कल फंजाई लिखा हुआ मिले तो भी आप कंफ्यूज मत होना कि फाइकोमाइसिटीज में मैक्सिमम ग्रुप है वो एल्कल फंजाई के ही है, इसलिए फाइकोमाइसिटीज एल्कल फंजाई भी बोलते हैं। मतलब इस फाइकोमाइसिटीज के जितने भी टाइप आगे निकल के आए उन सबको मिलाकर क्या बोल दिया गया, फाइकोमाइसिटीज। इसका भी अलग नाम बोला जा सकता है एल्कल फंजाई। आगे चलते हैं, सेप्टेट, सेप्टा के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार से, तीन ग्रुप के अंदर, तीन क्लास में
इसको डिवाइड करेंगे, क्लास बोलेंगे इसको, तीन क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, पहली क्लास कौन सी एस्कोमाइसिटीज, दूसरी क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, और यहां पर जो तीसरी क्लास है वो हो जाएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या हो जाएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। जैसे ओमाइसिटीज को एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई इसको भी बोल सकते हैं, जाइगोमाइसिटीज को क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई बोल रहे हैं, उसी प्रकार से जो एस्कोमाइसिटीज है उसको सेक फंजाई भी बोला जाता है, या इसी के नाम पर एस्कस फंजाई भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार से बेसिडियोमाइसिटीज है उसको क्या बोल सकते हैं, क्लब फंजाई भी कहा जाता है, क्लब फंजाई, याद करेंगे अभी इनको। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोल सकते हैं इम परफेक्टी या इम परफेक्टा फंजाई। अब देखिए इसको, यूमाइसिटीज ट्रू फंजाई, अगर अपन यहां पर केवल फंजाई लिखते तो यहां पर एक मिक्सोमाइसिटीज और लिख सकते थे, उसका मतलब क्या होता, स्लाइम मोल्ड। पर यहां पर अपन यूमाइसिटीज ट्रू फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ट्रू फंजाई को दो भागों में, दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, उसका आधार क्या होगा, सेप्टा। माइसीलियम में जो हाइफी हैं उनके अंदर, हाइफी की जो सेल्स हैं उनके अंदर अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेप्टेट, नहीं प्रेजेंट है तो एसेप्टेट। अब ये सेप्टा है ये लोअर फंजाई हो जाएगी, और जिनमें सेप्टा है वो हायर फंजाई हो जाएगी, जिनमें सेप्टा नहीं है वो क्या हो जाएगी, लोअर फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज की दो और आपके ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, और सेप्टेट के आधार पर तीन भाग हो सकते हैं, तीन क्लास हो सकती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखिए इनके कॉमन नेम कैसे याद करेंगे, सबसे शुरुआत की बात है एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे पढ़ते हैं तो एल्गी सबसे पहले आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर एल्गल फंजाई शुरुआत की बात आगे सबसे पहले इसी को पढ़ रहे हैं, ओमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। आगे देखें जाइगोमाइसिटीज, जाई, जाई का मतलब कौन, कौन है यहां पर शब्द, कौन जाएगा आगे जो पढ़ाई करेगा, आगे कौन जाएगा, जाई, कौन जाएगा आगे जो क्या करेगा, कौन, कौन जाएगा आगे, वो जाएगा जो आगे पढ़ाई करेगा, आगे की पढ़ाई करेगा तभी सक्सेस मिलेगी। आगे एस्कोमाइसिटीज, देखो यहां पर ए एस सी, नाम से पता चल रहा है ए एस सी, और इसमें भी एस ए सी सेम ही बात है, ए एस सी, ए एस सी, तो एस का उल्टा कहीं ना कहीं सेक भी मन रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा याद करोगे एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहते हैं, एस्कस फंजाई तो याद रह जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई, क्लब जहां होते हैं, या क्लब का मतलब एक तरीके से जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब अपन जब खाना बनाते हैं और बहुत सारी रोटियां बच जाती हैं, बासी रह जाती हैं, तो क्या करते हैं, उनको क्लब इकट्ठा करके फेंक देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं या बाहर कूड़े में डाल देते हैं, तो बासी चीजें हैं उनको क्लब बना के एक साथ इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है। शादी विवाह में बहुत सारी चीजें क्लब हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज इसको कैसे याद करोगे, ड्यूटेरो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता तो ड्यू है उसका, अगर किसी का कोई कोई काम किसी में नहीं होता ना, कोई पेपर एक रह जाता है तो उसको बोलते हैं उसका पेपर ड्यू रह गया, तो इसका मतलब उसमें बाकी सब चीजें लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रह गया, उसका ड्यू रह गया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, इसलिए ड्यू, ड्यू का मतलब याद रखना, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसका ड्यू है, बाकी पड़ा है, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नहीं है वो, इम्परफेक्ट आई पंजाई उसको बोलेंगे, तो इम्परफेक्ट आई, इम्परफेक्ट बोल सकते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को। बेसिडियो बासी का मतलब क्लब फंजाई हो गया, एस नाम से पता चलता है सेक फंजाई, और जाइगो कौन जाएगा, कौन जाएगा, कॉन्जुगेशन फंजाई, और फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज शुरुआत की है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एल्गल फंजाई। ये तो इसका बेसिक बात हो गई। अब आगे देखो अपने को इस जो वीडियो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अपने को फाइकोमाइसिटीज पढ़ना है एक नंबर बात, अपने को क्या पढ़ना है, एस्कोमाइसिटीज पढ़ना है, अपने को बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ना है, और अपने को ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ना है, जिसको आगे, आगे आता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज क्लास को। फाइकोमाइसिटीज क्लास के कुछ जनरल
बातें आप आसानी से बता सकते हो अब क्या होंगी ये एसेप्टेट, एक नंबर बात। दूसरे नंबर पर क्या बोल सकते हैं लोअर फंजाई, या क्या बोल सकते हो प्रिमिटिव फंजाई। तीन बातें याद रखी, एसेप्टेट, लोअर फंजाई, प्रिमिटिव फंजाई। इसी को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर एसेप्टेट है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल में नहीं है, क्योंकि यहां पर सेप्टा ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर जो होती है उसके लिए अपने एक शब्द पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसको बोल सकते हैं क्वेनोसाइटिक। कुछ प्रोनाउंसिएशन में सिनोसाइटिक भी बोला जाता है, पर आप इसको दोनों से कोई भी समझ लें। क्वेनोसाइटिक सेल संकोची कोशिकाएं ऐसे ही जिनमें बहुत सारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं, अलग अलग बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्वेनोसाइटिक सेल्स होगी आपके वाउचेरिया के अंदर भी मिलती है, ये वाउचेरिया के अंदर भी काफी ज्यादा मात्रा में क्वेनोसाइटिक सेल होती हैं, और फाइकोमाइसिटिस का गुण हो गया। ये तो बातें आपको कॉमन याद ही हो गई होंगी, एसेप्टेट है, लोअर है, प्रिमिटिव है, एल्कल है और मल्टी। देखिए इस फाइकोमाइसिटिस के जो एग्जांपल हैं उनको अपने ट्रिक से याद करेंगे, वरना नहीं होगा। ये ट्रिक क्या है, पाई पाई से अब कर राई साफ, ठीक है। अब देखो यहां पर पाई से पहला जो शब्द होगा वो यहां पर क्लास को बताएगा, तो पाई हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। दूसरे पाई के अंदर आप दो बातें लोगे यहां पर, एक हो जाएगा फाइटोफोरा और एक हो जाएगा पिल्लोबोलस। डंग फंजाई भी बोलते हैं इसको, जो डंग है गाय भैंसों का उसके ऊपर आसानी से मिलती है पिल्लोबोलस, ठीक है। फाइटोफोरा और पिल्लोबोलस से का मतलब है स्क्लेरो स्पोरा, अब का मतलब है एल्गुगो, कर का मतलब है म्यूकर, राई का मतलब है राइजोपस और साफ का मतलब है सेप्रोटेजिनिया। ये लो जी, पाई पाई से अब कर राई साफ, ये सारे के सारे क्या हैं फाइकोमाइसिटिस हैं। पहले पाई से मतलब फाइकोमाइसिटिस, ये पहला याद रख लेना। यहाँ पे आगे देखो, यहां पर अगले पाई से दो बातें याद रखना, फाइटोफोरा और पिल्लोबोलस। उसके बाद में से याद रखना स्क्लेरोस्पोरा, बाजरे में जरूर लगता है। अब का मतलब रखना एल्बुगो, एल अब एल्बुगो, कर का मतलब म्यूकर म्यूकर म्यूकर, राई का मतलब राइजोपस और साफ का मतलब सेप्रोटेजिनिया। ये सारे के सारे क्या हैं फाइकोमाइसिटीज हैं। इन ट्रिक को दो तीन बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएंगे, इन सबको फाइकोमाइसिटीज में शामिल करते हैं। अगला लेते हैं अपन क्या एस्कोमाइसिटीज, इसके बाद अगला है कौन सा एस्कोमाइसिटीज। इसकी कुछ जनरल बातें आप आसानी से बता सकते हो, क्या है सेप्टेट होगा, हायर फंजाई बोल सकते हैं इसको। सेप्टेट है इसका मतलब न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, सिनोसाइटिक या कोएनोसाइटिक जो सेल्स हैं वो यहां पर नहीं होंगी। न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पर जो होगा यूनि न्यूक्लिएट। अपन ये भी देखा था कि आपके सेपरेट होने के बावजूद भी जो न्यूक्लियस है वो एक है, दो है, मल्टी, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, पर यहां पर क्या होता है यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन मिलेगी। जो इसके अंदर आपके जो रिप्रोडक्शन का प्रकार है वो ज्यादातर सोमेटोगेमी भी कंडीशन मिलती है। अपने पांच प्रकार पढ़े थे पिछले वीडियो में आपको याद है, तो यहाँ पर सोमेटोगेमी नाम कंडीशन मिल सकती है। एस्कोमाइसिटीज को एस्कस फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको सेक फंजाई भी बोलते हैं। सेक यहीं से नाम आ गया, देखो इसी ने इसी से कहीं ना कहीं बन जाएगा सेक, ASC।
और एस ए सी, ठीक है, सेक फंजाई। अब यहां पर क्या होता है कि एस्कोस्पोर नामक कंडीशन होती है और उस एस्कोस्पोर में एस्कस बनते हैं और इन एस्कस के द्वारा ही आगे जाकर नए फंजाई का, नए फंगस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको एस्कस फंजाई या एस्कोस्पोर कंडीशन भी इसके अंतर्गत आती है बोला जाता है। अब देखो इसकी जो है, जो एग्जाम्पल है उनको अपन कैसे याद करेंगे, उसके लिए आपकी जो पास ट्रिक होगी वो होगी आस बनाई मा कल पर। तैयारी कर रहे हो आज आप और आपकी आस है कि कल ना कल या कभी ना कभी आगे आने वाले दिनों में आप फर्स्ट ग्रेड के लायक बन जाओगे, आपकी तैयारी इतनी सॉलिड हो जाएगी, तो आपके पास आस है ये। तो यहां पर जो आस है इसमें देखो यहां पर दो बातें लेनी है, सबसे पहले क्या लेना है, एक तो एस्कोमाइसिटिस, एक और बातें ले लो यहां पर, इसका संधि विच्छेद करोगे तो एयर एस अलग निकल जाएगा, एस्कोमाइसिटिस। उसके बाद में एक बात और लो यहां पर एस्परजिलस, बै का मतलब हो जाएगा यहां पर बफल, ना का मतलब यहां पर न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ई का मतलब यहां पर सबको पता है ईस्ट। अब देखो यहां पर ये एकमात्र क्या थी याद करो, ईस्ट के बारे में क्या विशेष बात बताई थी, आप मेरे को कमेंट में बताना कि ईस्ट किस प्रकार की फंजाई है, ठीक है, एक एक कॉमन नाम से पता चल जाएगा ईस्ट का क्या मीनिंग है और उस फंजाई से उसको कैसे अलग कर सकते हैं। मां का मतलब यहां पर मोरेल्स, कल का मतलब यहां पर क्लेविसेप्स परपुरिया, नाम आपके पास याद आ रहा होगा, और पर का मतलब यहां पर दो बातें लेना, एक तो पेनिसिलियम और एक हो जाएगा पेजाइजा कप फंजाई। अब देखो यहां पर आस बनाई मां कल पर, एस्कोमाइसिटिस एस्परजिलस, संधि विच्छेद करना, दो बातें निकलेंगी, एस्कोमाइसिटिस एस्पर एस्परजिलस, बै का मतलब बफल है, ना का मतलब न्यूरोस्पोरा है, ठीक है, जैसे अपने ड्रोसोफिला पर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट होते हैं जूलॉजी के अंदर, वैसे प्लांट के अंदर या फंजाई के अंदर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो मिलेंगे वो न्यूरोस्पोरा के मिलते हैं, इसलिए इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा। ईस्ट है, ईस्ट आ गया, मोरेल्स है, क्लेविसेप्स है, और पी का मतलब यहां पर का मतलब पेनिसिलियम और पेजाइजा। आस बनाई मां कल पर, आस बनाई मां कल पर, इससे पहले वाली क्या थी, पाई पाई से अब कर राई साफ, पाई पाई से अब कर राई साफ, और यहां पर आस बनाई मां कल पर। आगे लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस,